बराबर की गुफा भी देखने को मिलने वाला है। बोधि मंदिर गया का जो मंदिर है महाबोधि, उसका भी रूप यहाँ पे देखने को मिलेगा इस बिहार दिवस के शुभ अवसर पे। आई एम एट नेचर सफारी राजगीर, जो कि हाल ही में उद्घाटन हुआ है। ब्रह्मकुंड का भी यहाँ पे आकार देखने को मिलेगा। और शेर शाह सूरी सासाराम, सासाराम में जो शेर शाह सूरी है उसका भी मकबरा यहाँ पे देखने को मिलने वाला आप लोग को। सो दोस्तों, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया है डांस वगैरह। जब बिहार तो यहाँ जल जीवन हरियाली यहाँ पे डिनोट कर रहा है, इसके अंदर बिहार शिक्षा परियोजन परिषद बनाया गया। दिवस पुस्तक मेला प्रतिदिन प्रातः 11 बजे दिन से रात्रि 8 बजे तक रहने वाला है, बनाया ही जा रहा है। इसको पहाड़ बनाया गया है, लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग 22 से 24 मार्च के बीच में आइए और देखिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं पटना के गांधी मैदान में, और आप लोग को पता ही है कि 22 मार्च को बिहार दिवस है, और मतलब 109 वर्ष बिहार का पूर गया, तो 109 वर्ष बिहार दिवस मनने वाला। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और दिखाते हैं। तो अभी पटना के गांधी मैदान के अंदर अभी हम आ गए हैं, और अंदर में देखेंगे कि अंदर में क्या क्या बिहार दिवस के शुभ अवसर पर क्या क्या अंदर में कार्यक्रम किया जाएगा, सभी चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोग को समझ में आए। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों देख सकते हैं, बिहार दिवस 2022 जल जीवन हरियाली, गेट नंबर A1 के पास से है, गेट नंबर 1 के पास से गेट बना हुआ है। गेट नंबर 1 कहाँ है तो आपको बता दें, पटना के विश्वमान भवन है, उसी के बगल में गेट नंबर 1 है, ठीक है। इसी गेट से अगर अंदर में प्रवेश करते हैं तो आपको सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और कोई भी जगह अगर जाना है, किसी भी जगह आसानी से जल्दी पहुंचना है, तो लोकेशन दिया गया है, आप लोग जा सकते हैं। लोकेशन डिनोट किया रहेगा कि गेट नंबर 5 के पास कैसे आप जाइएगा। देख सकते हैं श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल साइड में, और यहाँ पे देख सकते हैं गेट नंबर 8, गेट नंबर 7, गेट नंबर 10, मतलब सभी को डिनोट किया गया है। दो जगह लोकेशन दिखाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं अंदर में, और किसी भी गेट के पास जा सकते हैं आसानी से, इसीलिए लोकेशन को लगाया गया, इस चार्ट को लगाया गया है। बिहार दिवस 22 से 24 मार्च गांधी मैदान पटना। समारोह में आप सादर आमंत्रित है, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, यानी मास्क अलाउ होगा। अगर आप आते हैं तो मास्क लेकर के, मास्क पहन करके जरूर आप आइए। यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ के बगल में एक हाउस मकान बना हुआ है, जो कि सोलर के साथ है। देख सकते, इसको पहाड़ बनाया गया है, देख सकते हैं इस प्रकार से पहाड़ का रूप दिया गया है। और भी बहुत मतलब अजूबा अजूबा चीज़ बनाया गया है, जो कि हम आपको दिखाएँगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है, और किसान जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मोटर वगैरह चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बिहार दिवस 2022, बिहार जो दिवस जो मान रहा है 109 वर्ष पूरा कर लिया है, ठीक है। 22 से 24 मार्च तक ये बिहार दिवस मान रहा है, जो कि पटना के गांधी मैदान में है। और देख सकते हैं आप लोग कि बहुत बहुत जगह जगह बहुत सारा चीज़ किया जा रहा है, जो सो दोस्तों देख सकते हैं इधर में तैयारी किया जा रहा है, बहुत सारा बनाया भी जा रहा है, बहुत सारा कैंप वगैरह लगाया जा रहा है, प्रोग्राम वगैरह करने के लिए, हर प्रकार का रूप दिखाने के लिए। तो आप लोग 22 से 24 मार्च के बीच में आ पाए, और बिहार दिवस में जो भी कुछ यहाँ लगाया गया है, जो भी किया जा रहा है, सभी चीज़ का आनंद लें और देखें। इधर में देख सकते हैं लिखा हुआ, जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ मिष्ठान वगैरह डिनोट कर रहा है, ठीक है। वहाँ आगे भी लिखा हुआ, जल जीवन तभी होगी खुशहाली, सभी चीज़ को अभी बनाया ही जा रहा है, ठीक है। सो दोस्तों अभी तैयार मतलब हो रहा है, देख सकते हैं अभी गेट वगैरह बनाया ही जा रहा है। अभी जैसे कि अभी 2 दिन बचा हुआ है, जैसे कि 22 मार्च से 24 मार्च के बीच में ये बिहार दिवस मनने वाला है। और इधर में देख सकते हैं किस प्रकार से डिनोट कर रहा। सो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से ये स्टॉल बिहार के बारे में बताया जाएगा और मिलने वाला है, तो आप लोग आइए और 22 से 24 मार्च के बीच में। सो दोस्तों देख सकते हैं बिहार में जैसा है गुरुद्वारा के बारे में यहाँ दर्शाया गया है, यानी बिहार में जो भी कुछ है उस सभी चीज़ को यहाँ पर डिनोट किया गया है। देख सकते हैं जो भी मंदिर है, जो भी मतलब स्थल वगैरह है, सभी चीज़ को डिनोट किया गया है, ठीक है। और लिट्टी चोखा का देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है सिंबल। और बात करें, इधर ही बहुत सारा स्टॉल दिया गया है, जो कि
रहने वाला है। देख सकते हैं अभी डेकोरेट किया जा रहा है, देख सकते हैं किस प्रकार से है। बहुत सारा स्टॉल लगने वाला है, तो आप लोग आइए। और इधर भी देख सकते हैं किस प्रकार से अभी डेकोरेट किया ही जा रहा है, सभी को डेकोरेट अभी किया जा रहा है। देख सकते हैं बहुत मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम यानी बिहार में जो भी कुछ हुआ है सभी चीज़ को यहाँ पे किया जाएगा और दिखाया जाएगा, क्या क्या परिवर्तन लाया गया है बिहार में, सभी चीज़ को दर्शाया जाएगा। अंदर में जाकर के हम दिखाते हैं एक बार। सो दोस्तों देख सकते हैं इधर भी बनाया गया है, सभी जगह बहुत प्रकार के स्टॉल बनाया गया है जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग आइए और देख सकते हैं किस प्रकार से स्टॉल लगाया गया है चारों तरफ से, और कार्यक्रम के लिए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्टॉल लगाया गया है सभी बैठने वाले हैं, तो आप लोग आके देख सकते हैं और बताया जाएगा। दोस्तों बिहार दिवस 2022 प्रदर्शनी स्थल इसको बनाया गया है, प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है। देख सकते हैं इधर अभी बन ही रहा, गेट वगैरह बनाया ही जा रहा है, देख सकते हैं इधर। इधर में भी आप देख सकते हैं बनाया ही जा रहा है, ये भी मतलब डेकोरेशन किया जा रहा है जो कि आपको दर्शाने वाला है, चित्र वगैरह बनाया जाएगा जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 22 मार्च के बाद। इधर भी आपको दिखा दे, देख सकते हैं किस प्रकार से दिया बनाया जा रहा है। तो अभी हम इस गेट से भी चलेंगे अंदर और अंदर में देखेंगे कि अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो दोस्तों एक बार व्यू हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं कि कितना मतलब गांधी मैदान के जो है पूरे एरिया में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लगाया गया है। तो आप लोग पटना में रहते हैं, आप बिहार में कहीं भी रहते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। और चलते हैं नज़दीक से हम कुछ दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिए ताकि उन लोग को भी देखने को मिला मौका मिले। तो चलिए हम चलते हैं नज़दीक से दिखाते हैं कि क्या क्या लगने वाला है और क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों मतलब इस तरफ बिहार दिवस पुस्तक मेला प्रतिदिन प्रातः 11 बजे दिन से रात्रि 8 बजे तक ये रहने वाला है, देख सकते हैं बिहार दिवस पुस्तक मेला। और यहाँ राष्ट्रीय पुस्तक न्याय के क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली मुंबई बेंगलुरु कोलकाता भोपाल लखनऊ चेन्नई हैदराबाद गुवाहाटी अगरतला पटना कटक मतलब मिलने वाला है, देख सकते हैं। तो आप लोग आइए और ले करके जा सकते हैं। और इधर में देख सकते हैं बच्चे के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं रेलगाड़ी के ऊपर बच्चे मतलब डिनोट कर रहा है रेलगाड़ी ट्रेन जो है छुक छुक जो ट्रेन है, और ट्रेन के ऊपर स्टूडेंट्स को दर्शाया गया, सिंबल दिया गया है। देखते हैं कि अंदर में क्या है। सो दोस्तों देख सकते हैं बिहार शिक्षा प्रयोजन परिषद, इसके अंदर बिहार शिक्षा प्रयोजन परिषद बनाया गया है, और देख तो आप लोग आइए अंदर में देखने को मिलेगा इसमें बिहार शिक्षा प्रयोजन के परिषद के तहत। सो दोस्तों यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था किया गया है, हर जगह स्टॉल लगाया गया है पानी का, और आपको ऐसा नहीं कि आपको नल खोल करके पानी लेना होगा, हर जगह स्टॉल लगा दिया गया है, वहाँ से आप पानी ले सकते हैं, ठीक है। पानी का कोई चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे, जो भी मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो अगर आप लोग आइए तो यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं लगने वाला है, किसी को कोई चार्ज नहीं देना है। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जल जीवन हरियाली यहाँ पे डिनोट कर रहा है, देख सकते हैं बीच में ही लगाया गया है, जैसे मेन गेट से अगर अंदर में आप प्रवेश करते हैं तो आपको बीच में लगाया हुआ मिलेगा जल जीवन हरियाली, ठीक है, देख सकते हैं। सो दोस्तों इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया है, डांस वगैरह जो बिहार का जो रुचि जो भी अच्छा जो भी मतलब टॉपर लोग है जो भी टॉपर व्यक्ति है उसके लिए बनाया गया है सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें जो भी होगा
सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इसी के लिए बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे LED वगैरह भी लगाया गया है, जो कि दिखने को मिला गया LED पे भी। तो दोस्तों देख सकते हैं बिहार दिवस जन शिक्षा 2022 से 24 मार्च तक लगने चलने वाला है, तो 22 से 24 मार्च तक आप लोग आ सकते हैं इसमें। अभी इधर स्टॉल लग ही रहा है, तैयारी हो रहा है, तैयार किया जा रहा है, ठीक है। पानी आपको हर जगह स्टॉल लगा करके स्टॉल लगाया गया है, पानी मिलने वाला है। और इधर में देखते हैं कि इधर में क्या है। इधर देख सकते हैं पर्यावरण वन विभाग, यहाँ देख सकते हैं वृक्ष का बनाया गया है सिंबल, और इधर में देख सकते हैं कुछ सिंबल बनाया गया है जो कि डिनोट करेगा। देख सकते हैं इधर तैयारी किया जा रहा है। बराबर की गुफा भी देखने को मिलने वाला है, देख सकते हैं यहाँ बाबर की गुफा होता तो बराबर की गुफा देख सकते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है, और इधर भी देख सकते हैं यहाँ पटना बिहार में जो गोलघर है, गोलघर को भी बनाया गया है, देख सकते हैं गोलघर, यहाँ गोलघर भी दिखने को मिलेगा। और इधर देख लीजिए महाबोधि मंदिर गया का जो महाबोधि है उसका भी यहाँ रूप दिखने को मिलेगा। महाबोधि मंदिर गया का जो मंदिर है महाबोधि उसका भी रूप यहाँ पे दिखने को मिलेगा इस बिहार दिवस के शुभ अवसर पे। और यहाँ गौतम बुद्ध का आकार बनाया गया है, देख सकते हैं। और इधर में आपको दिखा दें पटना साहिब गुरुद्वारा, देख सकते हैं पटना साहिब गुरुद्वारा का भी यहाँ रूप दिया गया है। बात करें यहाँ पर जो भी फेमस चीज़ें हैं उसको यहाँ पर डिनोट किया गया है, दर्शाया गया है। और इधर में देख सकते हैं एम एट नेचर सफारी राजगीर, जो कि हाल ही में उद्घाटन हुआ है उसका यहाँ पे डिनोट किया गया है, देख सकते हैं। उसका भी कुछ यहाँ पे नज़ारा दिखने को मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय का भी यहाँ पे आकार दिखने को मिलने वाला है, देख सकते हैं। बिहार का जो भी विचित्र चित्र हैं, विचित्र बहुत सारा जो फेमस चीज़ें हैं सभी चीज़ों को यहाँ पर डिनोट किया गया है, इसके अंदर मिलने वाला है आपको। और भी कुछ यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको, इसको देख सकते हैं विष्णुपद मंदिर गया का जो विष्णुपद मंदिर है उसको यहाँ पे डिनोट किया गया है। और यहाँ पे मंदार देख सकते हैं, मंदार पर्वत का भी यहाँ पे रूप दिया गया है, देख सकते हैं। इधर में देख सकते हैं ब्रह्मकुंड का भी यहाँ पे आकार देखने को मिलेगा। और शेर शाह सूरी ससारा में जो शेर शाह सूरी है उसका भी मकबरा यहाँ पे देखने को मिलने वाला आप लोग को। तो आप लोग इस बिहार दिवस को मिस ना कीजिए, यहाँ पे ज़रूर आइए। और देख सकते हैं इधर में बहुत सारा आकार दिया गया है, सिंबल दिया गया है, जो कि देख सकते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं तभी होगी खुशहाली, बिहार दिवस 2022 जल जीवन हरियाली। अगर आप लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो 22 से 24 मार्च के बीच में आ सकते हैं। बहुत अलग किया जा रहा है इस बार बिहार दिवस, बहुत अलग मनाया जा रहा है, देख सकते हैं। वहाँ पे पीछे वहाँ जो दिखाई दे रहा है वो नल का सिम्बॉल दिया गया है, और अमूल्य रत्न जल को बचाए, जल को अमूल्य रत्न माना गया है। ट्री इज द होम ऑफ बर्ड्स, ठीक है। और देख सकते हैं और कुछ हम दिखाते हैं आपको, पढ़ करके सुनाते हैं। तभी होगी खुशहाली, जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली, हर जगह यहाँ पे डिनोट किया गया है। और यहाँ पशु पक्षियों से भी करो प्यार, देख सकते हैं किस प्रकार से इस बार जो बिहार दिवस मन रहा है, हर बार से अलग मन रहा,
और यहाँ का जो भी हम नज़ारा आप लोग को दिखाए हैं तो बहुत सारा कुछ अलग देखने को मिला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। देख सकते हैं किस प्रकार से स्टेज को बनाया गया, सजाया गया है। और बिहार दिवस के बीच में पेड़ देख सकते हैं, पेड़ को दर्शाया गया है, ठीक है, हैंड के ऊपर है, हाथ में, यानी बचाने का रूप दिया गया है, ठीक है। और इधर में देख सकते हैं किस प्रकार से डेकोरेट किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली, यानी हर जगह डिनोट इस चीज़ को कर रहा है। तो जल को आप लोग बचाए, और यहाँ देख सकते हैं प्रशासनिक भवन बनाया गया है। देख सकते हैं किस प्रकार से जल का जो है ना हर जगह डिनोट किया गया है, क्योंकि जल अपने जल जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जल का बहुत ये है। तो आप लोग जल को बचाए, और आप लोग आए 22 से 24 मार्च के बीच में आइए और देखिए यहाँ का बिहार के